A very good morning, students. Today we will read chapter number five Industries. First, we read the contents classification of industries, factor affecting location of industries, industrial system, industrial regions, distribution of major industries, Jamshedpur, cotton textile industry, and last one is information technology. First, we will डिस्क्राइब अबाउट द इंट्रोडक्शन वट इज इंडस्ट्री इंडस्ट्री इज रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विस इंडस्ट्री दो चीजों से बेसिकली कंसर्न करती है फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जिसमें हर तरह की चीजों की प्रोडक्शन होती है एंड सर्विसेज की प्रोविजन भी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं किसी भी चीज़ की अगर आपने प्रोडक्शन करनी है किसी भी चीज़ की जैसे शुगर केन से शुगर की प्रोडक्शन होती है जहाँ पर शुगर केन्स को शुगर में कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसेस को करने के लिए जो जगह दी गई है या जहाँ पर जो मशीनरी लगाई जाती है दैट होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री उस जगह को इंडस्ट्री कहा जाता है जहां पर पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है Secondary Activities You have already read about the three activities of Economy, Primary, Secondary and Tertiary and you know very well the industry is Secondary Activity. Secondary Activity change raw materials into products to, of more value to people. Secondary Activity is activity which changes raw materials into such products mein badal कि जिससे जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं जैसे एक पल्प को पेपर में कन्वर्ट करना पेपर से ही नोटबुक बनती है जिसपे आप लिखते हो और वो किस से बना हुआ है पल्प से दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस ऑफ मैनु प्रोसेस इसे दो स्टेजेस का पता चला फर्स्ट पल्प से पेपर बना सेकेंड पेपर से नोटबुक बनी अब नोटबुक क्या है आपके लिए वैल्यूएबल गुड two stages the paper made from pulp and cloth from uh, cloth made for cotton have had value added to them at each stage of manufacturing process yahan par बच्चे ek value added word aaya hai isko dhyan se samajhna value added means जैसे I will give, give you example जैसे कि uh, हम biscuit खाते हैं simple example है biscuit खाते हैं तो biscuit किस से बनते हैं मालूम flour से बनते हैं ओके okay, उसमें फ्लोर मिल्क ऑयल शुगर चार चीजें पड़ी ओके okay, हमने फ्लोर लिया टेन रुपीज टेन रुपीज शुगर चारों चीजें हमने टेन टेन रुपीज की ली तो वो चारों मिलके बन गई फोर्टी फोर्टी रुपीज का पैकेट रेडी हो गया उसके ऊपर जो पैकेट का खर्चा आया या कुछ भी करके फिफ्टी रुपीज का पैकेट उसका टोटल जो है जो उसका फाइनल प्राइस बनेगा दैट इज फिफ्टी अब दुकानदार के पास आप बिस्किट लेने गए आप उसको बोलोगे बिस्किट दे दे वो आपको ये बोलेगा कि गिव मी फिफ्टी रुपीज इट्स प्राइज इज फिफ्टी रुपीज ये नहीं बोलेगा कि इसमें टेन रुपीज़ का फ्लोर दे दो टेन रुपीज के फ्लोर के चार्जेस हैं टेन रुपीज़ का शुगर दे दो दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड हर जगह पे उसकी जो वैल्यू है वो एड हो चुकी है ऑलरेडी अब दोबारा से एड नहीं होएगी नहीं तो फिर वो डबल काउंटिंग हो जाती है इसीलिए इसको हम वैल्यू एडेड बोलते हैं ओके क्लियर इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी इसी वजह से जो फिनिश प्रोडक्ट रेडी होके बन के आपके पास आ गया उसमें दो चीजें होती हैं वैल्यू एंड यूटिलिटी वैल्यू तो होती ही होती है क्योंकि आपने उसको यूज करना है तो वैल्यू तो जैसे नोटबुक है आपके पास नोटबुक को आप यूज करते हो तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू है तभी आप यूज कर रहे हो यूटिलिटी मतलब आप उसको कितना यूज करते हो जैसे आपके पास नोटबुक है पड़ी रहती है सारा दिन कवर्ड में आप उसको यूज नहीं करते आपके पास बुक है बुक को रीड नहीं करते पढ़ते नहीं मींस बुक तो है वैल्यूएबल बुक है बट उसकी यूटिलिटी जीरो है क्योंकि आप उसको यूज नहीं कर रहे ओके क्लियर क्लियर द मीनिंग ऑफ बोथ वर्ड्स वैल्यू एंड यूटिलिटी सेकेंडरी एक्टिविटीज क्लासीफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज फर्स्ट बेसिस ऑफ रॉ मटीरियल ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटीरियल पे बेस्ड हैं जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बेसिकली सारी रॉ मटीरियल पे बेस्ड है जिसमें रॉ मटीरियल मिलेगा तो ये काम करेगी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स आर देयर रॉ मेटीरियल जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया कॉटन टेक्सटाइल हो गया डेरी प्रोडक्ट्स हो गए लेदर इंडस्ट्रीज हैं ये बेसिकली सारी एनिमल पे डिपेंड है एनिमल्स से सारे इनको प्रोडक्ट मिलेंगे रॉ मटेरियल होगा तभी ये इंडस्ट्रीज़ काम करेंगी सेकंड वन इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मिनरल्स आपको पता है जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं प्रॉपर जो हमें नेचुरली मिलते हैं ज कॉल्ड मिनरल तो मिनरल इंडस्ट्रीज वो हुई जिनका रॉ मेटीरियल क्या है मिनरल ऑब्वियसली जिनको रॉ मेटीरियल कौन सा चाहिए मिनरल चाहिए अगर उनको मिनरल मिलेंगे तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज इसमें इस इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट बनते हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज में भी काम आते हैं आयरन मेड फ्रॉम आयरन और इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस जैसे आयरन और क्या है रॉ मटीरियल और बन के क्या फिनिश गुड निकली आयरन ओके दिस इज यूज ए रॉ मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट इसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है आयरन से जैसे मशीनरी बिल्डिंग मटीरियल रेलवे कोचेज एक्सेट्रा मेराइन बेस्ड मेराइन है तो नाम से आपको पता चल गया होगा कि इसका कंसर्न सी और ओशन के साथ है जहाँ से इनको रॉ मटेरियल मिलता है कहाँ से मिलता है समुन्दर में से ओशन्स में से इनको बेसिकली रॉ मटेरियल मिलता है जैसे सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल कहाँ से मिलते हैं फ़िश मिलेगी तो फिश ऑयल होएगा बनेगा तो इनका रॉ मटीरियल कहाँ से आता है सी में से फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ फॉरेस्ट बेस्ड हैं तो नाम से ही क्लियर है फॉरेस्ट से रॉ मटीरियल मिलेगा फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को ये यूटिलाइज करते हैं जैसे फर्नीचर बनाया जाता है बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो उसमें क्या यूज़ होता है फॉरेस्ट ही रॉ मटीरियल हुआ उसका फॉरेस्ट एज अ रॉ मटीरियल यूज़ होता है जैसे ट्रीज़ हो गए या कुछ भी जो हमें फ़ारेस्ट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वो रॉ मटीरियल के लिए यूज़ होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो साइज पे डिपेंड करती हैं साइज पे इन द सेंस स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो हैं जहाँ पे हमें कम कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है छोटी मोटी कोई इंडस्ट्री या छोटी मोटी कोई फैक्ट्री लगा ली किसी ने या फिर हैंडीक्राफ्ट का काम है कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं दैट आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पोट्री है इनको सभी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट कम लेबर कम प्रोडक्शन कम हर चीज स्मॉल लेवल पे होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल कम कैपिटल यूज हुई कम टेक्नोलॉजी यूज हुएगी और कम ही प्रोडक्शन हुएगी और लार्ज स्केल में इसके ऑपोजिट है लार्ज स्केल में लार्ज वॉल्यूम्स पे प्रोडक्ट होएगा लार्ज कैपिटल होगी लार्ज अमाउंट पे प्रोडक्शन होएगी इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड टेक्नोलॉजी यूज इज सुपीरियर लार्ज स्केल में ये सारा कुछ इसके उल्टा होएगा उल्टा होएगा सब कुछ ज्यादा यूज होएगा जैसे सिल्क वीविंग फूड प्रोसेसिंग हैवी मशीन्स ऑटोमोबाइल अदा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज So, students, today's homework is read page number 50 and 51 thoroughly. If you have any problem, then please concern. Thank you.